और तीसरी बात जो मुझे आपसे कहनी है वो ये कहनी है कि हमें अपना नेता कैसा चुनना चाहिए, हमें अपना नेता कैसा। सर आप SDPI का राष्ट्रीय महासचिव होने के नाते बलरामपुर क्षेत्र की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? एक्चुअली पूरा बलराम नहीं, पूरे बिहार के हर एक देहातों में हम लोग गए हैं और हर जगह में बेसिक एमिनिटीज़ नहीं है, जो मूलभूत जो सौकर्य यानी सहूलियत का बिल्कुल कमी है। पूरे हिंदुस्तान के शहर में पूरे लोग इंजीनियरिंग मेडिकल कॉलेज के बारे में बात करते हैं, लेकिन यहाँ हमारे देहातों में एलिमेंट्री प्राइमरी स्कूल तक नहीं है, सड़क भी नहीं है, इन लोगों को खाने के लिए नौकरी भी नहीं है। ये जो लोग ज़राई करते हैं लेकिन इस ज़राई को लेकर कहाँ किस मार्केट में जाने के लिए रास्ता भी नहीं है, ऐसा हालत। हमें बात करते हैं पूरा आत्मनिर्भर भारत, लेकिन आत्मा ही नहीं है हमारा, तो इस तरह का हालात को हमें बदलने के लिए कोशिश करना, पूरे मिलजुल कर काम करना है। ये एक चुनाव की बात नहीं है, ये हमारे देश का एक तरक्की का बात भी है। जो ये हमारा जो छोटे छोटे बच्चे आने वाला नस्ल है, लेकिन ये नस्ल को पहनने के लिए इजार भी नहीं है, इस तरह का हालात हमारे देश का अंदर है। तो हम लोग पूरे मिलकर हमें ये हालात को सुधारने के लिए दिन रात मेहनत करना पड़ेगा। और अभी जो चुनाव आया है, ये चुनाव के वक्त पूरा हमारा विधायक लोगों के पास जाता है, पैसा बांटता है, 1000-2000 रुपये बांटता है, फिर 5 साल तक उधर बैठ के पूरा घपला करते निगलते अपना पूरा संपत्ति बनाता है। लेकिन गरीबी सिर्फ 1000 में अपना वोट को बेच देता है, लेकिन ये लोग हमारे को इतना बड़ा धोखा देते हैं, हम लोग इनको सबक सिखाना है। हमारे जैसे एक मामूली इंसान जाना है उधर असेंबली में, विधानसभा में जाना है, हर एक इंसान, सिर्फ एक मुसलमान दलित का बात नहीं है, ये गरीब गुरबत हर एक तबका में भी है, ब्राह्मण के अंदर भी गुरबत है, हमारे मुसलमान दलितों के अंदर भी गुरबत है। सारे गुरबत को मिटाना, हमारे बच्चों एजुकेटेड होना है। हमें बोलते हैं पूरा जापान में इंग्लैंड में जाके हमारे प्रधानमंत्री भाषण देने में कुछ भी नहीं होगा, भाषण देने में हमारे देश का तरक्की होगा क्या? नहीं, हमारे जैसे लोग ये ऐसे तो चोर गद्दार लोग जो हमारे वोट लेके जाते हैं, तो ऐसे लोगों को हरा करके हमारे जैसा एक मामूली इंसान जाना है, हमारे बारे में बात करना चाहिए। इधर जाति के नाम में चुनाव होता है, ये इधर उसको स्टॉप करना है। जाति नहीं, हमारे जाति में कुछ भी खाना नहीं मिलता, जाति में भाईचारे नहीं मिलता। हमें आपस में समाज में एक तरक्की हासिल करने के लिए हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जैन फारसी बौद्ध सब लोग एक होना है, दलितों को आदिवासियों का हक है वो दिलाना चाहिए। आज हमारे देश के अंदर दलित लड़कियों को किस तरह इधर रेप करके मारते हैं और मुसलमानों के मस्जिदों के अंदर कितना हमला करते हैं, लेकिन वही इंसान है ना हमारा बड़े बड़े स्टेज बना करके मुसलमानों का और दलितों के बंधु बोलकर कह के वोट लेके जाता है, फिर पार्लियामेंट में जाके हमारे खिलाफ भी कानून बनाता है। तो ये सारे कानून को सारे एक हरकतों को स्टॉप करने के लिए सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया बनाया है। हम देहातों में शहर में मोहल्ला में जाके नौजवानों को इकट्ठा करके आने वाले दिनों में मुस्तकबिल में एक अच्छा एक हिंदुस्तान एक इंडिया भारत बनाने के लिए कोशिश करेंगे। मेरा नाम इलियास मोहम्मद तुम्बे, राष्ट्रीय महासचिव सोशल डेमोक्रेट पार्टी ऑफ इंडिया। आपके पार्टी को वोट काटने का बात समझो नहीं हमें भी, दिल हो जहां।